हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल नेट ट्रिक्स अजय पे। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शन रोड मैप का पार्ट, जिसका पार्ट का नाम है कार्बोजिलिक एसिड। जैसा कि मैंने बोर्ड पे हर बार की बार इस बार भी लिख दिया कि कार्बोजिलिक एसिड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं या फिर किस किस रिएक्शन से हम लोग कार्बोजिलिक एसिड बनाते हैं। तो सबसे पहले जो नीट के व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि CH3COOH मैंने लिखा है कार्बोजिलिक एसिड, तो ये नहीं समझना कि ये एसिडिक एसिड है, ये कार्बोजिलिक एसिड है। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CH3COOH, वही मैंने लिखा, बस इसका फंक्शनल ग्रुप। मैंने पूरा कार्बोजिलिक एसिड नहीं लिखा, बस उसका फंक्शनल ग्रुप लिखा है, ठीक है। तो ये CH3COOH का मतलब आप लोग एसिडिक एसिड नहीं समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यदि हमारे एग्जाम में इथाइल अल्कोहल से आ जाए कार्बोजिलिक एसिड बनाने के लिए, और फर्दर पूछ दे कि कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, उसमें लोग रिएजेंट क्या यूज करेंगे। रिएजेंट जो हम लोग इथाइल अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड बनाने के लिए यूज करेंगे रिएजेंट H+, इसके साथ साथ डालेंगे KMnO4। तो इथाइल अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोजिलिक एसिड में। उसके बाद यदि हम लोग बनाए क्या कि कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाए कि इथाइल अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड, उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं? कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल। तो जब हम लोग कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे तो उसमें क्या रिएजेंट यूज करेंगे? LiAlH4, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल। फिर तो मतलब जो इथाइल अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड बना रहे थे तो KHMnO4 रिएजेंट यूज कर रहे थे। उसके बाद यदि हम लोग कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे हम लोग? रिएजेंट LiAlH4, ठीक है। ये था मेरा पहला रिएक्शन कार्बोजिलिक एसिड का, कि इथाइल अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल। अब यदि हम लोग बात करें एल्डिहाइड से कार्बोजिलिक एसिड से, ठीक है, कि एल्डिहाइड से यदि हम लोग कार्बोजिलिक एसिड बनाए तो कैसे बनाए। तो एल्डिहाइड से कार्बोजिलिक एसिड बनाने के लिए मेरा सिंपली एक छोटा सा कैटलिस्ट है, क्या कि H+KMnO4। यहाँ पे आप लोग दो बात गौर कीजिएगा कि इथाइल अल्कोहल और एल्डिहाइड में जो हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे हैं कार्बोजिलिक एसिड बनाने के लिए वो सेम ले रहे हैं, ठीक है। ये दो रिएजेंट सेम होगा कि यदि हम लोग इथाइल अल्कोहल से कार्बोजिलिक एसिड बनाए या फिर एल्डिहाइड से कार्बोजिलिक एसिड बनाए। अब हम लोग तीसरे पे जाते हैं, क्या है वो? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? सिंपली RMgX, ठीक है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप, ठीक है। X क्या है? हेलोजन ग्रुप, ठीक है। R क्या है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। और X क्या है वहां पे? हेलोजन ग्रुप। यहाँ पे इथाइल सॉरी आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी रह जाए, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से यदि हम लोग कार्बोजिलिक एसिड बनाए तो कैसे बनाएंगे? उसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करेंगे, बस कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ हम लोग H2O में ऐड कर देंगे, तो किसी भी प्रकार का ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बोजिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोबेंजीन से कार्बोजिलिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन से कार्बोजिलिक एसिड बनाने के लिए हम लोग क्या रिएजेंट यूज करेंगे? SN। इसके साथ साथ हम लोग रखेंगे कॉन्क HCl, डाइल्यूट नहीं, कौन सा HCl रखेंगे? कॉन्क HCl। और उसके साथ साथ हम लोग ऐड करेंगे NOH, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो मेरा नाइट्रोबेंजीन सिंपली कार्बोजिलिक एसिड में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ सबसे पहले देख लिए थे कि कार्बोजिलिक एसिड से इथाइल अल्कोहल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली LiAlH4 ऐड कर देना। यदि हम लोग बात करें कि कार्बोजिलिक एसिड से हम लोग मीथेन कैसे बनाते हैं, तो कार्बोजिलिक एसिड से मीथेन बनाने का मेरे पास सिंपली एक रिएजेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि मीडियम कैसा होना चाहिए? सॉलिड मीडियम में। और इसके साथ साथ सोडियम ऑक्साइड जो रहेंगे उसका भी मीडियम कैसा होना चाहिए? सॉलिड में। मतलब दोनों कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो मेरा कार्बोजिलिक एसिड मीथेन में ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि कार्बोजिलिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं। तो कार्बोजिलिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड बनाने के लिए सिंपली इसमें अमोनिया और इसके साथ साथ अमोनिया डाल करके क्या कर देना? हमें हीट कर देना है। तो मेरा कार्बोजिलिक एसिड एसिटाइल क्लोराइड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मेरा छोटा सा रिएक्शन था कार्बोजिलिक एसिड का, जो कि नीट के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।